विदिशा जिले के कुरवाई में आगामी विधानसभा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस आने वाली 7 जून को भाजपा विधायी यज्ञ का आयोजन करने जा रही है। यह यज्ञ कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार के नेतृत्व में आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि विधायी यज्ञ में क्षेत्र की स्थानीय जन समस्याओं की आहुति दी जाएगी। वहीं इस मौके पर आयोजित सभा को क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस जन संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार भाजपा विधायी यज्ञ के मुख्य यजमान है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। भाइयों की लड़ाई लड़ता आया हूँ, आने वाले समय में भी किसान भाइयों की लड़ाई लड़ूंगा। और मंडी बामोरा पठारी कुरवाई क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है वो बामोरा रेल फाटक है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का विधायक और सांसद और मध्य प्रदेश में और केंद्र में सरकार होने के बावजूद भी उस क्षेत्र की लाखों जनता उस गेट के बंद रहने के कारण परेशान होती है। चाहे एम्बुलेंस का मामला हो, चाहे बच्चे स्कूल जाने का मामला हो, या बुजुर्ग कोई अस्पताल जाने का मामला हो, लगातार मंडी बामोरा गेट बंद रहने से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं आप लोगों से अपील करूंगा, पथरिया बेल्ट में भी ऐसे कई गांव हैं जहां पर पुल नहीं है, ऐसे कई गांव हैं जहां स्कूल नहीं है, और कॉलेज की समस्या हमेशा कुरवाई के बच्चों को झेलनी पड़ रही है। मैं आपसे इस अवसर पर निवेदन करूंगा कि अब वक्त आ गया है कुरवाई के लिए, भविष्य के लिए क्या रूपरेखा है, क्या करेंगे आप कुरवाई के लिए? कुरवाई के लिए मेरी यही है, अगर पार्टी मुझे मौका देती है, माननीय कमलनाथ जी मुझे आशीर्वाद देते हैं और जनता मुझे आशीर्वाद देती है, तो मैं निश्चित रूप से कुरवाई के लिए जो अपार संभावना है उनके लिए प्रयास करूंगा। और सभी लोग जो हमारे कांग्रेस जन है और जो रोड मैप कमलनाथ जी का और रोड मैप यहाँ पर भी प्रयास रहेगा कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में कुरवाई में बहुत विकास है। यहाँ पर माननीय विधायक जी के बारे में ये चर्चा जोर शोर कर है कि उन्होंने अपनी पारिवारिक शादी में कर्मचारियों से बहुत पैसा उगाही करी है, और उस मुद्दे को लेकर भी हम 7 तारीख को विधायक जी से सवाल करेंगे। और मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि विधायक जी और पूर्व विधायक जी आए और उन सवालों का जवाब दें, क्योंकि लोग हर व्यक्ति अपने लिए घर बनाता है, लेकिन इन दोनों विधायकों ने महल बना के रखे, और इन्हें आरोप नहीं लगा रही है तो इनके प्रत्यक्ष महल दिख रहा है सब। कुरवाई विधानसभा लगातार भाजपा के पास रही है, समय समय पर भाजपा के विधायक बदले हैं, लेकिन विधायकों की सोच नहीं बदली। और जहाँ तक विकास का मामला है तो आप क्षेत्र में जाकर देख सकते हैं, जनता अपनी मेहनत मजदूरी का कमा रही, चाहे किसान भाई हो चाहे मजदूर भाई हो, उनका क्षेत्र की विकास के लिए विधायक का कोई योगदान नहीं है। विधायक का विकास हुआ है, और मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सच्चाई बता रहा हूँ, विधायक जी ने अपना विकास जबरदस्त किया है। हमारे सपले जी के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत मेहनत कश परिवार से हैं, तो मेहनत कश तो सभी रहते हैं, SC के लोग ज़्यादातर मेहनत कश ही हैं, लेकिन इनमें ज़्यादा मेहनत खुद के विकास के लिए। जब से विधायक बने हैं, इनका बंगला आज की कीमत में सपले जी का करीब करीब 3 करोड़ का होगा, और वीर सिंह जी का बंगला आज की डेट में 8 करोड़ का है। तो मैं वीर सिंह जी के ऊपर तो इस पर आरोप लगा, इसका पैसा कहाँ से आया, जब एक मेहनत मजदूरी तो वाले परिवार में आप पैदा हुए, इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके घर में 5 लाख 10 लाख के सोफा सेट मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर वीर सिंह जी मुझे आमंत्रित करें तो उनके बंगले के अंदर जाना चाहूँगा। गारंटी क्या है, कमलनाथ जी आपको टिकट देंगे और रानी अहिरवार भी स्थानीय प्रत्याशी अहिरवार समाज के लिए वोट आपको टिकट मिलेगा? देखिए मैं कह रहा हूँ ना, मैं भी राहुल गांधी कर रहा हूँ और भी प्रत्याशी अपनी डाल जाते हैं, सबको अधिकार है। अहिरवार समाज पर आपका जातिगत ज्यादा आरोप है? देखो अहिरवार समाज या अन्य कोई भी समाज हो, ये अनुसूचित जाति की सीट है। पार्टी ने इससे पहले भी हरीश समाज को मौका दिया, अन्य समाजों को मौका दिया, और भविष्य में भी पार्टी किसी और समाज को मौका दे सकती है, क्योंकि अहिरवार समाज की बहुलता है, तो अहिरवार समाज के लिए अपना नाम करता है। आपका कहना है कि आप जाति के तौर पर अहिरवार समाज को भी वोट टिकट मिलना चाहिए? नहीं, मेरा क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं लगातार पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा हूँ, प्रदेश में जाता हूँ, वहाँ पार्टी की बात रखता हूँ, अनुसूचित जाति वर्ग पर हो रहे अत्याचार की बात रखता हूँ, तो यहाँ भी अगर अहिरवार समाज का वोट ज़्यादा है और मैं अहिरवार समाज से आता हूँ तो निश्चित रूप से मेरी दावेदारी इसमें पेश करूँगा। विधायक में आपके कितने लगभग कार्यकर्ता और क्षेत्र के लोग आने की उम्मीद है? मैं कह रहा हूँ आपसे कि करीब 2 से 3 हज़ार की संख्या में लोग हैं। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य जो क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, पुलिस का तानाशाही रवैया, पुलिस किसी को भी माननीय विधायक जी के कहने को उठाती है, प्रताड़ित करती है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो और चाहे वो आमजन हो, और जो क्षेत्र में जो पटवारी हो, किस तरीके से भ्रष्टाचार कुरवाई की तहसील में बड़ा है। मैं कुरवाई की तहसील में जाकर खड़ा होता हूँ तो समस्या जब लोग मेरे पास लेके आते हैं तो तब समझ आता है कि यहाँ भ्रष्टाचार।
तैयारी चुनाव लड़ने की कर रहा हूँ और ये पार्टी संगठन को तय करना है, आदरणीय कमलनाथ जी को तय करना है और हमारे पुरवाई के संगठन को तय करना है। अगर मुझे पार्टी मौका देगी तो निश्चित रूप से मैं यहाँ चुनाव लड़ूंगा और पार्टी अगर मुझे नहीं भी मौका देगी तो कांग्रेस पार्टी को हम जिता देता हूँ। पुरवाई विधानसभा क्षेत्र जैसा कि पिछड़ा है और कुछ समस्या है, इस संबंध में आपका क्या विजन है और क्या बात लेके आप विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं? अभी तक पुरवाई के साथ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हुए उन्होंने निश्चित रूप से अन्याय किया है, विकास की बहुत अपार संभावनाएं हैं। ये बेतवा माँ का यहाँ से निकलना यहाँ पुरवाई के लिए वरदान है, लेकिन ये दुर्भाग्य है पुरवाई का कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ और विधायकों ने अपना विकास किया। देखिए विधायक यज्ञ में मुझे उम्मीद है, पूरे क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता साथियों ने इस कार्यक्रम को जनता के बीच में ले जाने का काम किया है। मुझे लगता है 2 से 3 हज़ार के बीच में पूरे विधानसभा क्षेत्र को कार्यकर्ता और जनता लगेगी। आपको लगता है अगर पार्टी आपको टिकट देगी तो कुरवाई कांग्रेस में गुटबाजी हावी नहीं होगी? देखिए कांग्रेस इतनी बड़ी विचारधारा है और कांग्रेस इतना बड़ा परिवार है कि कांग्रेस में कोई भी निर्णय अगर आता है तो उसमें कुछ साथी विरोध भी जताते हैं, लेकिन अंततः पार्टी का निर्णय हर साथी मानता है। पुरवाई पठाड़ी रोड पर जो रेलवे गेट है, भाजपा 5 साल से कह रही है कि वहाँ ओवरब्रिज बनना है, बनाएंगे या काम लग रहा है, आपकी सरकार बनती है तो आप क्या करेंगे? देखिए हम निश्चित रूप से जनता के बीच में मैं गया हूँ और इस आपके माध्यम से आज ही मैं बोल रहा हूँ कि उसको लेकर हम लोगों को आंदोलन भी करेंगे और वो जनहित का बहुत बड़ा मुद्दा है। उसमें भाजपा के लोग भी प्रताड़ित हो रहे हैं, भाजपा के कुछ साथी खुद मुझसे मिलकर बोल रहे थे कि हम तो नहीं कर पा रहे, आप करो, और जनता की समस्या है, आप चले जाओ, 1 घंटा आधे घंटा आपको रुकना पड़ेगा। उसके आपने विपक्ष की भूमिका में रहते हो, उस पर क्या काम किया है? अभी तक तो हम जनता के अभी तक मैंने उसको लेकर सिर्फ संज्ञान में है मेरे मामले, लेकिन एक आंदोलन रेल लोग को आंदोलन बहुत जल्दी अगले महीने करूँगा। आप जाति विभाग के प्रदेश संयोजक हैं, आपका पूरा मध्य प्रदेश कार्य क्षेत्र है, आप पुरवाई क्षेत्र में ही क्यों अपना पांव जमा कर बैठे हुए हैं? देखिए क्योंकि हर कार्यकर्ता जो अनुसूचित जाति वर्ग से आता है और जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय होता है वो पार्टी से अपेक्षा करता है कि पार्टी उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दे, और मैं भी पार्टी में कार्य कर रहा हूँ, उनके प्रदेश की जिम्मेदारी आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने दी है, तो मैं भी यहाँ से उम्मीद कर रहा हूँ कि पार्टी मुझे मौका दे, और पार्टी अगर मुझे मौका नहीं भी देगी तो भी मैं आपके बीच में बड़े लड़के की जोड़ में पुरवाई विधानसभा क्षेत्र में जैसा कि दिग्विजय सिंह जी आए थे उनके सामने ये मुद्दा उठ रहा था कि स्थानीय प्रत्याशी चाहिए, बाहरी प्रत्याशी यहाँ पर आ रहे हैं तो पुरवाई का भला नहीं करेंगे? देखिए मैं ये बार बार आपसे कहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा परिवार है और कांग्रेस में अपनी बात रखने की आज़ादी है, अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि बाहरी को मौका नहीं मिलना चाहिए उसका अधिकार है। आपने जो अभी मुद्दे उठाए हैं स्थानीय नेताओं के ऊपर, जो पूर्व विधायक हैं वर्तमान विधायक हैं और उनके द्वारा यदि गलत किया गया है तो क्या उम्मीद करें? आप बाहरी हैं, आप गलत नहीं करेंगे? अगर मैं गलत करूंगा तो जो भी विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी सब अभी आने वाली भविष्य में वो मेरे खिलाफ आंदोलन करे, मेरे खिलाफ आवाज उठाए। जनता के लिए अभी तक आपने क्या किया? मैंने किसानों के लिए जनसत्याग्रह किया, जो किसानों की मांग थी, और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा महलुआ चौराहे पे जहाँ पर सैकड़ों लोग अपने परिवार के लोगों को गंवा चुके हैं एक्सीडेंट के कारण, और मैं विधायक से कहना चाहूँगा छोटा सा काम आप 2 बार के विधायक हैं, छोटा सा काम आप नहीं करवा पाए तो विधायक जी को तो स्पीड ब्रेकर जो बने हैं आज 3 महीना होगा, एक भी एक्सीडेंट महलुआ चौराहे पर नहीं हुआ। पुरवाई के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए आप उठाना चाहते हो, जो आप काम करने की उम्मीद करते हैं? देखिए पुरवाई एक बहुत पर्यटन के मामले में पुरवाई की एक ऐसा स्थान रखती है, अगर इसको डेवलप किया जाए तो देश प्रदेश के देश के मानचित्र पर हम पुरवाई को ला सकते हैं, और चाहे धार्मिक स्थलों का मामला हो, यहाँ भी धार्मिक स्थल में पुरवाई का जो नीलकंठेश्वर है उदयपुर में और भी जो मंदिर है उन मंदिरों को अगर विकसित किया जाए तो बहुत अच्छी स्थिति। विधायी यज्ञ जो आप कर रहे हैं इसमें कांग्रेस के लोग शामिल नहीं हो रहे हैं, आपके प्रतिद्वंदी दावेदार प्रत्याशी जो वो कह रहे हैं कि ये सब तमाशा है, इसका कोई उद्देश्य नहीं? हमारे सभी पदाधिकारी शामिल रहेंगे, हमारे वरिष्ठ नेता सभी शामिल रहेंगे, और ये भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है कि कुछ भी बोल दो कांग्रेस परिवार एक है, एकजुटता से कांग्रेस परिवार के हर कार्यकर्ता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।